निशा मल्टीमीडिया चैनल तालीमी खबरों का न्यूज़ चैनल। निशा मल्टीमीडिया में अहम तालीमी खबरों के साथ हाजिर हैं। सिंध गैर मुयना मुद्दत के लिए स्कूलों की बंदिश का नोटिफिकेशन। सिंध के तमाम सरकारी और प्राइवेट स्कूल्स को गैर मुयना मुद्दत के लिए बंद कर दिया गया है। इस सिलसिले में महकमा तालीम के सेक्रेटरी अकबर लकारी ने नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। वाजे रहे कि एक रोज़ कबल ही वजीर आला सिंध मुराद अली शाह ने ऐलान किया था कि सिंध में तालीमी इदारे एक हफ्ते के लिए बंद रहेंगे। इस दौरान असातिज़ा वैक्सीनेशन का अमल मुकम्मल करवाएं। स्कूल वही तुलबा आएंगे जिनके वालदैन वैक्सीन लगवाएंगे। सूबाई वजीर तालीम सिंध सैयद सरदार शाह ने भी इस हवाले से कहा था कि तालीमी इदारों को एक हफ्ता बंद करने का फैसला कोरोना की मौजूदा सूरत हाल के बाइस किया गया है। एक हफ्ते के बाद सूरत हाल का जायजा लेकर स्कूल खोलने के हवाले से फैसला किया जाएगा। ताहम अचानक ही ताहुक्मे सानी स्कूलों की बंदिश वालदैन और तालिब इल्मों के लिए एक सवालिया निशान है। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान ने कराची समेत सिंध भर में स्कूलों को पहले एक हफ्ते बंद करने और फिर ताहुक्मे सानी बंदिश की शदीद मजम्मत की है। उन्होंने कहा कि SOPs के साथ जिंदगी के तमाम शोबों में काम जारी है, तो स्कूलों में ऐसा क्यों नहीं हो सकता है। ऑल प्राइवेट एसोसिएशन के मरकजी चेयरमैन सैयद तारिक शाह ने सूबे भर में तालीम बचाओ तहरीक चलाने का ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि ये कौन सी कोरोना वबा है जो सिर्फ तालीमी इदारों को बंद कराने के लिए सिंध में आती है। उन्होंने मजीद कहा कि तमाम निजी तालीमी इदारे 23 अगस्त से आउटडोर सिस्टम पर शिफ्ट कर दिए जाएंगे। इंटर इम्तिहानात का दूसरा मरहला फिर 23 अगस्त से शुरू होगा। आला सानवी तालीमी बोर्ड कराची के चेयरमैन प्रोफेसर डॉक्टर सईद उद्दीन ने ऐलान किया है कि इंटरमीडिएट के सालाना इम्तिहानात बराए 2021 का दूसरा मरहला 23 अगस्त से शुरू हो रहा है, जिसमें 1,36,833 से ज़ायद तुलबा व तालबात शरीक होंगे। सुबह और शाम की शिफ्टों में मजमूई तौर पर 221 इम्तिहानी मराकज़ क़ायम किए गए हैं। नकल की रोकथाम के लिए कमिश्नर ऑफिस कराची और आला सानवी तालीमी बोर्ड कराची में 2 मॉनिटरिंग सेल भी बनाए गए हैं। BA BCOM प्राइवेट के इम्तिहानी फॉर्म की तारीख का ऐलान। वफाकी उर्दू यूनिवर्सिटी के नाज़िब इम्तिहानात गयासुद्दीन अहमद के मुताबिक BA BCOM प्राइवेट के सालाना इम्तिहानी फॉर्म 23 अगस्त से 6 सितंबर सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक जामिया उर्दू की वेबसाइट पर ऑनलाइन पुर किए जा सकते हैं। सिंध असातिज़ा की 45,000 से ज़ायद खाली असामियों पर भर्ती का फैसला। सिंध में 45,000 से ज़ायद खाली असामियों पर असातिज़ा भर्ती किए जाएंगे। इब्तदाई तौर पर प्राइमरी टीचर और जूनियर स्कूल टीचर्स भर्ती किए जाएंगे। ये भर्तियां IBA सखर के ज़रिए होंगी। शेड्यूल के मुताबिक प्राइमरी स्कूल टीचर का टेस्ट 23 अगस्त से 29 अगस्त तक लिया जाएगा। जूनियर स्कूल टीचर्स का टेस्ट 6 सितंबर से 12 सितंबर तक लिया जाएगा। तहरीरी टेस्ट में कामयाबी के बाद जुबानी इंटरव्यू होगा। शेड्यूल में ये भी कहा गया है कि असातिज़ा की भर्तियों का नोटिफिकेशन रवा साल ही जारी किया जाएगा। इसके साथ ही हमें इजाज़त दीजिए, तालीमी खबरनामे के साथ दोबारा हाजिर होंगे। अल्लाह निगहबान।